मधेपुरा सदर अंचल कार्यालय अपने कारनामों को लेकर इन दिनों चर्चे में है। जमाबंदी कायम करने, दाखिल खारिज कर रसीद काटने सहित अन्य मामलों को लेकर लोगों से अवैध राशि मांगने को लेकर अंचल अधिकारी पर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज मामले में मानिकपुर पंचायत के निहालपट्टी निवासी उमेश यादव ने कहा है कि वे बीते एक वर्ष से अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। दो बार आवश्यक कागजात के साथ आवेदन दिया गया, जिसे अंचल कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि एनएच 107 मानिकपुर चौक से पूरब स्थित केवाला से प्राप्त जमीन देखने को 14 दिसंबर 2022 को वे पहुंचे, तो उसी दौरान अंचल अधिकारी योगेंद्र दास उनकी जमीन के सामने रोड पर गाड़ी रोक रोड पर बुलाकर जमीन के बारे में पूछताछ करने लगे। इसी दौरान अंचल अधिकारी ने कहा कि मेरा खाना बनाने वाला पूरन ऋषिदेव आपके घर पर गए थे तो उनको 50,000 रुपए क्यों नहीं दिए, तत्काल व्यवस्था कर 2,000 रुपए दे दिए। उसके बाद रोड पर बुलाकर बोला कि 50,000 रुपए लगेगा, आपका काम कर देंगे। उमेश यादव ने रुपए देने में लाचारी जताई। इस बात पर सीओ ने भद्दी भद्दी गाली देते हुए थप्पड़ मारा। राहगीरों के आने पर मामला शांत हो गया। जाते समय सीओ ने कहा कि रुपए की व्यवस्था कीजिए, आपका काम कर देंगे। वहीं दूसरे दिन आवास पर शाम को उमेश यादव जब सारा कागजात के साथ पहुंचे तो कई लोग सीओ के आवास पर जमाबंदी कायम करने के लिए जमा थे, जहां शराब का भी दौर चल रहा था। सीओ के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरा देखने से यह पता चलेगा। उन्होंने सीओ द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने, जमाबंदी के नाम पर खाना बनाने वाले को भेजकर रुपए ऐंठने आदि मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित उमेश यादव ने मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सहित अन्य उच्चाधिकारियों को आवेदन भेजकर न्याय की गुहार भी लगाई है। सुनिए क्या बता रहे हैं पीड़ित। जमीन पर जोगेंद्र दास सीओ साहब अलग कल एत की करे कल अपना जमीन पर छे तो सीओ साहब कल जे की अथी आवेदन दल हम कलिए हम आवेदन तो दिलिए तो कथी ला दाखिल खारिज करे तो कल के कि जे हमार चार्ज मालूम छ न हम कलिए मालूम तो नहीं तो वही पर कल के हमार चार्ज छे नीचा 10,000 आ ऊपर 50,000 दिए पड़ता। हम कलिए नहीं हमें तो नहीं दे सक वही पर सीओ साहब की कल के तो गौर में एना के मफलर लेलक आ एना के अपने से लगा के अथी करे लगे जो नहीं टका तो दिए पड़ता वही पर डर से हम कह दिलिए हाँ दे देव तो कल के ठीके छे खाना बनबे वाला मिस्त्री छे ओकरा भेजबे दे दीह बस वही पर की कल के कल के जो नहीं अथी देव तो तोर एको गो काम नहीं हुए तो बार बार रिजेक्ट करब आ गजन तो हेबे करता 2,000 तत्काल दिलिए रह कहे मतलब कल के 48,000 और देना पड़ेगा। इधर इस मामले पर बात करने पर सीओ योगेंद्र दास ने मामले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उमेश यादव, नवीन यादव और उनके और 2-3 आदमी ये ब्रोकर हैं, जमीन झगड़ा वाला जमीन खरीदते हैं, दूसरे लोगों को भगाते हैं और फिर इस जमीन को वो लोग कैप्चर करके पुनः बिक्री करते हैं। मामला यही है, उसका 3 बार हमने रिजेक्ट कर दिया है, 4th बार फिर अप्लाई कर दिया गया है उनके द्वारा। मैंने उनको समझाया कि भाई मेरे यहाँ से नहीं होगा, एक बार जब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप DCLR के यहाँ जा कर के वहाँ से आप आदेश लेके आइए और तब जा कर के आपका ये मोटेशन होगा। चूँकि वे ब्रोकर हैं, बार बार उसका यही कहानी है, तो मैंने ब्रोकर पर जब नकेल कसना चालू किया तो अनाप शनाप अनर्गल बयान वह दे रहे हैं, लिख लिख के दे रहे हैं विभिन्न पदाधिकारी को। बहरहाल इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।